बता रहे, दोबारा बोल रहे, एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में आपका ये क्वीन है, क्वीन को आपने जब स्ट्राइक किया तो क्वीन सामने वाले एज से टकरा के क्या पूरी पेज में जाके यहाँ पे आपका होल हो गया। आपको बताना है यहाँ से यहाँ क्वीन का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ क्वीन का डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। आपको कैरम बोर्ड का डायमेंशन पता है, 4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, सेंटर है तो 2-2 फीट में कट गया। डायरेक्ट निकालना तो आसान है, ये पाइथागोरस थ्योरम में तो ये निकालने के लिए 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर = √2। लेकिन ये वाला आपको पता करना है तो हम ये पता नहीं कि एज पे ये कितने डिग्री के हिट किया है, इसके लिए डिस्टेंस हमने एक्स माना। ये सारा क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। वर्मा जी का 6, 7, 8 लगातार सेमेंट में 8 और 9 दो तीन बार पूछा, इसीलिए इसको हम अलग से बताते रहे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें खासियत क्या है, कितनी दूर हिट किया ये पता नहीं है, क्योंकि एक्स को ही पता है यहाँ पे आप 2 फीट का, ये एक्स पे 2 - 1। अगर ये एक्स पता चल जाएगा तो ये पता है तो लाइट के केस में भी आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे लाइट आता है उतने एंगल पे लाइट लॉस दिखाता है नॉर्मल के साथ। अगर लाइट जितने एंगल पे आया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हो। पार्टिकल भी जितने एंगल से टकराता है उतने ही से जाता है टकरा। तो अगर ये थीटा है ये भी थीटा, अब ये पैरेलल इसके लिए है और इस लाइन के लिए, ये थीटा ये भी थीटा ये थीटा ये भी थीटा, पैरेलल लाइंस की वजह से इस ट्रायंगल में पहले टैन थीटा निकाल ले, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में टैन थीटा निकाल ले, ठीक है। चलिए हो गया आपका ये, स्क्रीनशॉट ले लें और समझने की कोशिश करें। हाँ, हमको पहले से क्वेश्चन को तैयार रखना होगा। अगला क्वेश्चन वर्मा जी का ही है, क्वेश्चन नंबर आपको दिख पा रहा है शायद 9 नंबर, वही है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 कोई प्रॉब्लम है हमसे आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, वो गलत देख नहीं पा रहे भैया, क्लियर आवाज नहीं सुन पा रहे। अरे अभिजीत ऐसा क्यों हो रहा है अभिजीत, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए अभिजीत, हम ट्राई करते हैं। हेलो अभिजीत, सब सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इतना लंबा क्वेश्चन है पढ़ते ही नींद आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आवाज अगर नेट का इशू है तो अलग बात है, ऐसे आप वहां दिए। क्वेश्चन नंबर 9, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी जो हम लोग घरों में लगाते हैं मॉस्किटो नेट, ओवर अ 7 फीट × 4 फीट बेड 3 फीट हाई, मतलब ये असल में मॉस्किटो नेट का डायमेंशन है 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा, ये हमारा मॉस्किटो नेट है। The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. अच्छी बात है भाई, एक छोटा सा छेद है कॉर्नर पे जिससे एक प्यारा सा मच्छर एंटर करता है नेट के अंदर। ये बिल्कुल एक क्यूबॉइड की तरह शेप बनेगा, क्यूबॉइड के जैसा मच्छरदानी अगर अच्छे से लगा जाए तो। It flies and sits at diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito taking the hole as the origin, the length of the bed as the x-axis. Its width as the y-axis and vertically up as the z-axis, write the components of its displacement vectors. Nothing else, ये कुछ है नहीं, मैं ले दे के आपको मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट बताना है। सवाल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या देख ले, ठीक
अभी आप लॉकडाउन खत्म हुआ है, बुक का प्रॉब्लम है, सबके पास एससीओएमआई है या नहीं, लेकिन एससीओएमआई सब लोग खरीद लेंगे। क्वेश्चन देख लिए, एससीओएमआई सब लोग खरीद लेंगे, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आज आपको हम कुछ क्वेश्चन से ऐसे ही मेल मिलाप करवा रहे हैं। अगले दिन से प्रोडक्ट का फैक्टर चालू होगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ये सब चलेगा। आप भेज दीजिए अनुभव, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आंसर मिलता है तो भेज दीजिए। तो देखिए कैसे बनेगा, मॉस्किटो नेट का प्रॉब्लम है, आराम से बनाए, अगला क्लास मिस नहीं करेंगे आप, बार-बार कह रहे हैं। जिनका भी छूट रहा है चिंता नहीं करना, आप अकेले इकलौते बैच नहीं है, और बैच बनेंगे उसके साथ ही आपको देंगे। ये चाह रहे कि सब लोग पहले लॉकडाउन के साथ, तो अपने दोस्त यार जो भी आपके अभी एक्स्ट्रा बैच में आ रहे हैं, आप किसी को बोल रहे हैं कि आ जाओ मीटिंग आईडी बैच में, तो समझाओ कि अगला बैच में भी कर सकता है, हमसे बात करें तब तो उसका कमी दूर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी समझिए, आज छोटे छोटे सवालों से आपको उठा रहे हैं, फिर आपका भी डाउट लेंगे, चाहे कोई सब बना लिया है, चाहे कोई बिल्कुल नहीं बना पाया, कोई बहुत तेज है, कोई बहुत कमजोर है, अपने आप को ऐसा मानता है अगर कोई है कि बहुत तेज है बहुत कमजोर, तो हमको तो मतलब नहीं है, हम सबसे नीचे से शुरुआत करके हर एक सवाल को देख के ही जाएंगे। आपको थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को बोरिंग लग सकता है कि अरे ये इतना स्लो जा रहा है, ये सवाल तो जान के आगे बढ़ेंगे, नहीं, हमको सबको देख के चलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन कोड में आपको आइडिया नहीं लगता है, ना आपका हम फेस रीड कर पाते हैं, ना आपका हम आवाज देख पाते हैं कि आपका कैसा बिहेवियर हो रहा है, आपको बताइएगा नहीं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, सीधी सी बात है, वेक्टर तो तेरा है, अब पूरा एक साल पढ़ गए 11th वेक्टर को समझ ही नहीं आया, अब जाके 10 साल से पढ़ाते पढ़ाते हल्का हल्का समझ में आ रहा, तो कैसे एक दिन में सीख जाओगे, तुम चाहते हो कि आज ही पूरा सीख गया, कल होकर ट्यूशन खोल देते हैं, यही सामने खोल दो तुम लोग, ब्राइट फ्यूचर एडवांस क्लासेस है, बस गए बात कर रहे थे मॉस्किटो नेट का, तो मॉस्किटो नेट बनाते हैं। मान लो ये मॉस्किटो नेट है, इतना अच्छा नेट लगा परफेक्टली, तो मास्क क्या बात है, पेड़ के ऊपर नेट लगा हुआ है, ये वाला अगर आपको हम समझाने के लिए बोल देते हैं कि हाँ भाई ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका मान लो वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये वाला आपका हाइट में जेड एक्सिस, तो 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा, ठीक है, ये वाला हम पहले को एक्स एक्सिस का दिए, तो उसके पैरेलल ये तो ये भी एक्स, ये वाई तो उसके पैरेलल ये भी वाई, ये जेड उसके पैरेलल ये भी जेड, तीन है, एक मच्छर कहीं कॉर्नर में होलता है, मान लो यहाँ कॉर्नर है, ओरिजिन यहाँ से होलता, यहाँ से उनके डायगोनली अपोजिट वाले में जाके बैठा है, देखो ये वाला एक आपको दिख रहा है सेम प्लेन में जाता तो यहाँ बैठता, डायगोनली अपोजिट मतलब आपके घर के उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक अपोजिट कॉर्नर में जाके घूम के बैठा, मच्छर बनाते हैं, मच्छर तो बोला जाता नहीं है, मच्छर जाके बैठ गया है, इसीलिए उसी की चमक है, वो ये मच्छर है जुगनू जैसा चमक है, मारो तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप गौर करो तो ये एक वेक्टर अगर हम समझते हैं O से लेके A, O से लेके A अगर हम एक वेक्टर समझते हैं, ये बात O A एक वेक्टर मानते हैं, मान A से लेके B, ये बात
वेक्टर है ए से लेके बी और बी से लेके मान लीजिए वाला आपको एक प्राइम लीजिए सी तो क्या आपको सी लिखे है तो मिटा दिए तो ठीक है तो ओ से ए ए से बी और बी से जा सी अब तीन वेक्टर बनाए लेकिन मच्छर तो उड़ के गया है तो सीधे ओ से सी तो आपको पॉलीगॉन लॉ अगर आप सिखाए हो यूजिंग कौन सा लॉ यूजिंग पॉलीगॉन लॉ यूजिंग पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है पॉलीगॉन लॉ कहता है कि वेक्टर ओसी जो है वेक्टर ओसी किन किन चीजों से मिलके बना है करते हैं ओए ए बी और बी सी ये तीनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं जा सोचो खुद ओए ए बी और बी सी सेम ऑर्डर में है नहीं है सेम ऑर्डर में और ओसी आप पूरी उसको ऐड कर रहा तो ओसी इक्वल टू ओए प्लस ए बी प्लस बी टू सी वेक्टर बी सी देखिए ओए ये आपको पता है कि ये चार फीट है ये आपको पता है कि एक एक्स में सेवन फीट है और ऊंचाई तीन फीट हाइट है ये जा रहा है वाई एक्सिस में ये वाला आपका आगे जाके एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये भी एक्स ही है ये वाला जेड के पैरेलल तो वो जेड है जब ये एक्स में जा रहा है तो फोर ऑफ जे कैप प्लस सेवन ऑफ आई कैप प्लस थ्री ऑफ के कैप ठीक है आपको वेक्टर ओसी लगा कितना आसान तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको हम सिखाए हैं जब भी मैग्नीट्यूड निकालना पहली बार वैसे आपको के दिख रहा होगा रूट अंडर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का इजी है ना देख लीजिए सेवन स्क्वायर फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर है तो आप ये वाला में कुछ पूछना है तो पूछिए मुझे इन पे लगा अगले सवाल में धीरे धीरे वेक्टर सिखा रहे हैं सवाल सिखा जादू किए हैं हाँ रूट 74 आया ऑलमोस्ट गुड वेरी गुड फास्ट बना रहे आप लोग सर ठीक बनाए हो रूट 74 वाह तो तेज हो गया है वेरी वेरी गुड क्या बात है लेकिन अभी चूंकि हमें शॉर्ट नहीं लेना है लिख के भी काम कर बेसिक सीखते भी चलेंगे तो अपने आप सब बनेगा वर्मा जी बनाइए सिंगेज बनाइए कितना अधिक से अधिक मैगजीन होता है मैगजीन बनाइए सीबीएसई क्वेश्चन मेंस मेडिकल जो आपको मन हो वो कीजिए पहले बेस मजबूत कीजिए बोर्ड्स को भी हम लोग को लेके चलना है औकात से ज्यादा नहीं सोचना है और औकात से कम भी नहीं सोचना है आपका औकात ज्यादा ही है सिंगेज का डीपीपी में कुछ सवाल हम भेजे थे अभी आपसे वो बनेगा धीरे धीरे घबराना नहीं है पिछले दिन जो हम सवाल भेजे थे उसमें से कुछ सवाल आप लोगों ने पूछा था हाँ सवाल आपके पास लिखवाया हुआ तो है सवाल हम आपको लिखवा चुके हैं होता क्या है ना कि इधर क्लास मान लो फिजिक्स आप दो दिन क्लास छूट गया हो सकता है कि चार दिन बाद आया दो क्लास छूटा तो समझ में आपको चार दिन दिया दो क्लास छूटा चार दिन समझ में लेकिन आप देखेंगे अगर लगे हुए हैं पेशेंस है आप उसके पास भी समझ में आना शुरू हो जाएगा पहले ही दिन पका गए नए बोले समझ में आ रहा था तो पब जीए खेलने के समय बच जाता था फिर आपको बता था हम भी नहीं जानते आप कुछ भी भेजते हैं आप उसमें समय नहीं दे रहे हैं दो घंटा अलग से नहीं पढ़ रहे हैं घर पर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो अपना मेरा दोनों का समय बर्बाद करते हैं आप चले जाइए आपसे रिक्वेस्ट है हम लोग कम ही लोग पढ़ लेंगे कौन सा क्वेश्चन दिए थे लास्ट बार वो देखिए हाँ ज्यादातर लोगों ने इस सवाल पे भी हमको बोला तो सबके डाउट्स को तो हम सुन ही रहे हैं ऑफलाइन मोड में रहता है कि आप सर पे आके बैठ जाते हैं किताब कॉपी लेके ऑफिस में बैठते हैं आप आ जाते हैं डाउट 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 लाइन लगा के बस दिमाग खाते ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में चिंता नहीं तो डाउट पूछते बोलते बताएंगे सबके तो नहीं दिखते बैठ जाते हैं ऑफलाइन में तो बात है बताइए कैसे नहीं बताइए है
क्वेश्चन दिए थे एग्जांपल से आपको शायद अमित शर्मा के जहाँ तक हमको याद आ रहा है तो क्वेश्चंस क्या थे उसको देख लेंगे। एक क्वेश्चन था द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA, ये तो बन गया होगा आपका आराम से पहला। द सम ऑफ द थ्री वेक्टर शोन इन फिगर इज जीरो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ OB एंड OC। अगर ये आपसे हम बात करें तो होमवर्क ये तो उसको बता रहे हैं आप बेसिकली हम लोग पॉलीगॉन लॉ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके डाउट्स लेंगे, डाउट क्लास देना होगा तो डाउट क्लास देंगे या तो आपको सीधे हम व्हाट्सएप पे ही डाउट बता बता के भेजेंगे। आज कुछ बताने पे कई लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा शायद। तीन वेक्टर आपको उस दिन बनाए थे शायद याद हो आपको, एक वेक्टर इधर बना रहे थे, एक वेक्टर इधर था और एक वेक्टर इधर था। तीनों वेक्टर का नाम था OB OC OA। ओके, दिस वन इज योर OA OB OC। और ये भी बताया हुआ था ये वाला 45 डिग्री पे है, ये वाला एक्स एक्सिस। और ये भी बताया हुआ था कि OA आपका 5 मीटर है, ठीक है, ये 5 मीटर है, ठीक है। तो आपको बताना था कि OB कितना है, OC कितना है। सवाल क्लियर हो गया। OB और OC का वैल्यू नहीं पता था तो आप में से कई लोगों ने इसको शायद A मान लिया हो तो इसको B मान लिया हो, स्मॉल A स्मॉल B, तो दिक्कत नहीं है। X या Y जो भी आपने माना हो, P Q जो भी माना, तो वेक्टर OA या OB का वैल्यू, तो वेक्टर OA का वैल्यू कितना है, OA है 5, जा रहा है प्लस वाई में कि माइनस वाई में, जा रहा है माइनस वाई में, इसीलिए 5 के साथ जे कैप लिखेंगे लेकिन साइन माइनस रहेगा। क्यों माइनस रहेगा, क्लियर है? आप चाहो तो 0 आई कैप भी लिख सकते हो, तुमको दिक्कत नहीं। ओबी का वैल्यू कितना लिखोगे, ओबी का वैल्यू ए है। और ये लास्ट क्लास का होमवर्क है, वो हम बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखवाए, उसका लिखा हुआ है आपका सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 0 बोला। वेक्टर ए जा रहा है एक्स एक्सिस की ओर आई कैप, ये जो आपका बी है ये 45 है, आपको दिख रहा है बी जो 45 कंपोनेंट आपने तोड़ा होगा, इधर टूटेगा बी कॉस 45, इधर टूटेगा बी साइन 45, ठीक है। कई लोगों ने बना लिया, ये ऑलमोस्ट सबका आंसर मेरे पास आया, आप लोगों ने बना बना के जो अच्छे से आप भेज रहे थे हमको, कई लोग अच्छे से बना के PDF फॉर्म में भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतने आप लेकिन पढ़ाई अब आपको अपने लिए करना है, आप गार्जियन या टीचर के लिए नहीं, हम लोग अब गलती नहीं होती है। तीनों वेक्टर को ऐड करते हैं, ऐड करने बोला OA प्लस OB प्लस OC, आई वाला आई से, यहाँ आई नहीं है, आई है ए माइनस बी बाय रूट टू कॉस 45 का वैल्यू, आई कैप प्लस बी साइन 45 मतलब बी बाय रूट टू माइनस 5 जे कैप। आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ आई को आई से और जे को जे से हमने किया। क्वेश्चन के हिसाब से इन तीनों का सम 0 है, ये वेक्टर है, मतलब आई वाला भी हिस्सा 0 है, जे वाला भी हिस्सा 0 है। देखो कोई वेक्टर में अगर लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप तो कोई भी नहीं बोलेगा कि 2 कट जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं, आई जे से नहीं कट सकता है। अगर कोई वेक्टर 0 है इसका मतलब क्या है, उसका आई वाला हिस्सा भी 0 है सेपरेटली और जे वाला हिस्सा भी 0 है, तभी वो वेक्टर 0 है। आई वाला भी 0 होना चाहिए, जे वाला, क्योंकि आई वाला तो जे से ऐड नहीं हो सकता है, सकता है। तो ठीक उसी तरह से ये बोला है क्वेश्चन में कि 0 है इक्वल टू ए माइनस बी बाय, ये 0 है, बोला है ये 0 है, मतलब बाय रूट 2 आई कैप प्लस बी बाय रूट 2 माइनस 5 जे कैप। अगर ये दोनों मिलके 0 है इसका मतलब क्या है कि आई वाला अलग 0 है, जे वाला अलग 0 है।
अगर ये दोनों मिलके जीरो है, इसका मतलब क्या है कि आई वाला अलग जीरो है, जे वाला अलग जीरो है, ये अलग जीरो है, अलग जीरो, तब जीरो आई का जीरो तब जीरो होगा। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी बाय रूट टू ये भी जीरो है और b बाय रूट टू माइनस फाइव ये भी जीरो है, यानी a इक्वल टू b बाय रूट टू और यहाँ से b इक्वल टू फाइव तक जाएगा फाइव रूट टू, b का वैल्यू आप पुट करेंगे फाइव रूट टू बाय रूट टू, आंसर तो a आएगा पांच मीटर, b आएगा फाइव रूट टू, ए आएगा फाइव बी आएगा फाइव रूट टू। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये हो गया, देख लो कहीं को डाउट है तो पूछ लो। फिलहाल हाथ ले गए सेकंड मीटिंग में तो लोग ऐसे ही कम हो जाते थे, 29 हो गए, 35 से 34 हुए 29। एपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है, हम को बोलो बाबू गायब हो गए तुम, बोलो। हाँ भैया, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 13, डीपीपी 1 का 3.1 का रुके हुए हैं, अभी डीपीपी लोग को धीरे धीरे बनेगा, एक ही दिन में हम थोड़ा बना नहीं लेंगे, सब लोग बनाएगा फिर हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस क्या करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, वैसे बुक में सॉल्यूशन भी दिया रहता है, फिर भी आपको डाउट हो कि बहुत सारा सवाल, डीपीपी हर दिन जाने का चीज है, अभी डॉट पढ़ाएंगे क्रॉस पढ़ाएंगे फिर जाएगा, तो हम उतना सवाल अगर डिस्कस करेंगे तो पहले हम सॉल्यूशन भेज देंगे आपको, अगर उससे भी समझ में आ जाता है ठीक है, तो फिर तो हम है ठीक है, अभी हम जानबूझ के देख बता रहे हैं या सॉल्यूशन भेज रहे हैं कि कुछ लोग ट्राई कर ले, कुछ लोग को थोड़ा तो लगे धीरे धीरे समझ में आए, अभी तो समझ में आना शुरू हुआ है, घबराना है ही नहीं, ठीक है। एंगल चेक करने वाला दिए थे शायद ना, ये भी बहुत लोगों से पूछा, एक तो एंगल निकालने बोले थे वो तो आसान था, डीपीपी के भी सवाल को हम डिस्कस करेंगे ठीक है, डीपीपी के भी सवाल को हम डिस्कस करेंगे, कोई अच्छे से बनाया जितना भी डीपीपी हो गया हमको भेज रहा है, चेक कर लेंगे उसी को ग्रुप में डाल देंगे, कि जो को भाई कुछ बच्चों ने बनाया वही वाला भेज देंगे, सॉल्यूशन वाला तो लोग अपने जगह से बनाते हैं, करते नंबर को ध्यान हुआ, और भी डीपीपी में पहला नंबर एक सवाल बोला है किसी ने, फिर आपका डाउट हम लेंगे धीरे धीरे, तो हमको बीच में ही डाउट लेना रहता है, लेकिन हम रोके हुए ना, सवाल था कि दो वेक्टर है ओ एन ओ बी, ये लास्ट क्लास का होमवर्क देख रहे हैं, असल में आज डॉट क्रॉस रूल नहीं कर रहे हैं हम आपको, आज आपको हम पॉलीगोन लॉ दिखा के सवाल दिखाए हैं कुछ और कुछ इधर चल रहे हैं, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ओ ए और एक वेक्टर है ओ बी, ये 6 मीटर का है और ये 4 मीटर का है, आपको इसके बीच का पूरा एंगल निकालना है, पूरा एंगल, कई तरीके से आप इसको बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये पता है कि रिजल्टेंट इधर है, ठीक है, पूरा एंगल बनाना है, आप लोगों ने जो कई तरीकों से बनाया होगा, मान लो ये एंगल आपको पता है कि यहाँ से 90 है, तो ये एंगल पास चला तो 90 ऐड कर देंगे, कोई भी तरीका है, इसमें 2-3 तरीका हम डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक बात करते हैं, पहले एक नॉर्मल सी बात, वेक्टर OA कितना है, O के साथ कौन सा कैप, आई कैप, देख लीजिए आप लोगों ने सिंपल तरीका ये अप्लाई किया होगा, भैया जब ये रिजल्टेंट बोला है कि इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर आप दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर का नाम P, एक वेक्टर का नाम Q और ये रिजल्टेंट R और P Q के बीच का एंगल थीटा और रिजल्टेंट P के साथ एंगल अल्फा बनाता है, तो tan alpha का फॉर्मूला होता है q sin theta by p plus q cos theta, ये कई लोग ऐसे बना के हमको भेजे, ये भी चलेगा, मान लो ऐसे आप बनाना चाहते हो, तो इस बार आजा आजा बच्चों आजा 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 लगा लगा, तो
टैन अल्फा की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अगर OA वेक्टर और OB वेक्टर का रिजल्टेंट, यार इसको P बोलते जो कि इसका रिजल्टेंट बोलता है कि परपेंडिकुलर है OA की, परपेंडिकुलर है मतलब जैसे रिजल्टेंट इसके साथ अल्फा एंगल बनाया था, तो यहाँ अल्फा ऑलरेडी पता है, यहाँ भाई यहाँ अल्फा तो आपका 90 डिग्री। कई लोग ऐसे बना सकते हैं कि टैन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है या बी का बोलते हैं तो बी साइन 90, या 90 मत लिख दिया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये बीच का एंगल, बीच का एंगल जितना मान लेते हैं हम लोग थीटा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, मान लो ऐसा आपने लिखा फॉर्मूला। यहाँ अल्फा जो है वो कितना, थीटा मतलब ए बी के बीच का एंगल, बी क्यू के बीच का एंगल वैसा, तो यहाँ पे टैन अल्फा का जगह आप लिखोगे 90 डिग्री, बी का जगह आप लिखोगे 6 साइन थीटा बाय ए का जगह 4 प्लस 6 कॉस, कितना आएगा देखिए ना, कॉस थीटा टैन 90, टैन 90 इंफिनिटी होता है, टैन 90 इंफिनिटी, टैन 0 0 टैन 90 इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब होता है 1/0, इंफिनिटी मतलब 1/0, 6 साइन थीटा बाय 4 प्लस 6 कॉस थीटा, 0 इनटू समथिंग 0 ये जाके इधर इनटू होगा, 4 प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो cos 6 cos थीटा ये जाएगा माइनस में 4/6, यानी cos थीटा या थीटा इक्वल टू आप बोलना चाहो तो बोल दोगे cos इनवर्स माइनस में 2/3, ये आपका अगर वर्मा जी के हिसाब से देखा जाए तो ये आंसर है, cos थीटा इतना आ गया, तो यही पे आंसर छोड़ दिया, cos थीटा या इतना है, तो लिख के छोड़ दिया फिलहाल। देखो cos का वैल्यू हो गया इतना, ये एक आसान तरीका है बीच का एंगल निकालने का, क्या मैं अगला मेथड भी बताते हैं, कई लोग क्या किए हैं कंपोनेंट तोड़ के बनाए हैं वो भी सही है, जैसे वर्मा जी ने कंपोनेंट तोड़ के बनाए। तो अगले क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, आज नहीं ठीक है, उस पर समय लगेगा, उसको सीखना होगा, कोशिश करेंगे कि मीटिंग में आपको आवाज आ जाए, कितना आवाज आ रहा क्या आ रहा वो हम सीख करें ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और फिलहाल हमको विदा कीजिए। एंड कर रहा मीटिंग है, कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे बोलिए, डरिए मत, व्हाट्सएप पे डाउट बोलिए अपना, पूछिए जो भी करना है उस पे आप आइए। आज आवाज नहीं जा रहा है।